अगर आपने भी ना ये पिज्ज़ा घर पर बना लिया ना, तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। बिना ओवन के ये पिज्ज़ा घर पर इतनी आसानी से तैयार हो जाता है, बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट है। तो बनाना बेहद आसान है, फटाफट से रेसिपी देख लीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी अहम पार्ट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा का डो। डो लगाने के लिए मैंने एक कटोरी में आधा कप गुनगुना पानी लिया, उसके अंदर एक चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पाउडर शुगर डाल लें, चीनी जैसे डिजॉल्व हो जाएगी उसमें एक चम्मच यीस्ट डालेंगे। यीस्ट को पानी में डालने का मतलब यह है कि हम यीस्ट को पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा यीस्ट जो है वो एक्टिव है या ख़राब हो चुका है, क्योंकि अगर हम यीस्ट को डायरेक्ट आटे में मिला देते हैं तो पता नहीं चलता और हमारी रेसिपी जो है ना वो परफेक्ट नहीं बनती। 2 से 3 मिनट बाद ना यीस्ट इस तरीके से ब्लूम हो जाता है और इस तरीके से फूला फूला हो जाता है, यानी कि यीस्ट एकदम परफेक्ट है। अब एक बड़े बर्तन के अंदर ना मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो पिज़्ज़ा मिलता है वो मैदे से बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डालेंगे और यीस्ट वाला पानी इसके अंदर सारा डाल देंगे। अब हल्के हाथों से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हम डो बना रहे हैं ना, वो डो जो है ना आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम रोटी के लिए डो आते उससे भी नरम डो आपका बनना चाहिए। तो पहले हम यीस्ट वाले पानी के साथ सारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर गुनगुने पानी से हम क्या करेंगे, आटा लगाएंगे। जैसे जैसे ज़रूरत होगी पानी डालते जाएंगे और अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है ये डो, ये देखिए, क्योंकि हम इसे काफ़ी ज़्यादा मुलायम गूंथते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने डो को क्या करना है, समेट लेना है और फिर किसी दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो बस डो जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो किसी कपड़े से ढक दें, या फिर अगर आपके पास रैप वाली पॉलिथीन हो आप उसे इसको रैप करके कवर करके छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आटा जो है ना वो साइज़ में डबल हो जाएगा और जो अच्छे से जो है ना आटा फर्मेंट हो जाएगा। चलिए आटे को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, पीली, लाल, हरी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इन्हें हम क्या करेंगे, डाइस शेप में कट कर लेंगे। अब एक बाउल के अंदर मैंने 2 चम्मच दही ऐड किया है, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, काली मिर्ची और भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर कुछ नींबू की ड्रॉप्स ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये आप ज़रूर ऐड करना, और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल, आपने 1 चम्मच इसके अंदर मिक्स कर देना है। दही के साथ सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1 चुटकी फूड कलर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है नहीं, आपको पसंद नहीं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर लिया था, पनीर को हम क्या करेंगे, दही के साथ मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट मैंने पनीर को मैरिनेट करके रखा था, फिर एक कढ़ाई को मैंने ऑयल से ग्रीस किया था और उसके अंदर पनीर को हम ऐड कर देंगे। ये पनीर पिज़्ज़ा आपका इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा, बच्चे जो है ना एकदम झटपट ख़त्म कर लेंगे और बड़े भी इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि खाने में इतना लाजवाब होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर पर बिना ओवन इसको तैयार कर सकते हैं। पनीर को आपने क्या करना, अच्छे से पकाना है जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे से हम इसको कुक कर लेंगे और इस तरीके से जब भी आप पनीर पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, तो उसका एक अलग ही यूनिक सा टेस्ट आता है। ये देखिए, पनीर जो है ना ड्राई हो चुका है, सारा मसाला इसके ऊपर कोट हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, चलते हैं आटे की तरफ। आटे को आप देख सकते हैं कि हमने कितना सा डो रखा था, ये राइज होकर कितना ज़्यादा हो चुका है। अब इसको एक पंच लगाएंगे और उसको वापस से आपने क्या करना है, नीड करना है। नीड करने से पहले थोड़ा सा ऑयल जो है ना हाथों पर लगाना, जिससे आटा जो है ना वो आपके हाथ में चिपके नहीं। और ये देखिए, आटा कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। बस थोड़ा सा पंच लगाकर इसको नीड करेंगे और इसकी आपने क्या करनी है, बॉल्स बनानी है। जितना बड़ा साइज़ का आपको पिज़्ज़ा चाहिए, उतनी बड़ी आप इसकी बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटे को हम स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए, अच्छे से फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब पिज़्ज़ा जो बनता है वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। वो लोग इस आटे को हाथों से ही स्ट्रेच करके इसको बड़ा करते हैं, लेकिन मैं आपको घर पर बनाने का आसान तरीका बता रही हूँ। हल्का सा आप मैदा डस्ट करें और बेलन की मदद से आप इसको बेल लें। ना बहुत ज़्यादा आपने पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा बेलना है। जब घर पर हम पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और घर की बनी हुई चीज़ों में ना एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही साफ़ सफाई के साथ हर चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये देखिए, घर जैसी बात तो बाहर नहीं मिलती है। ये मैंने इसे रोटी की तरह बड़ा बेल कर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना ओवन आपने इसे कैसे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर पैन के अंदर हम इसको डाल देंगे और ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेंगे। आपको थोड़ा सा साइज़ इसका ठीक करना है। फिर आपने लेनी है एक कांटे वाली चम्मच और उससे इसके अंदर थोड़े छोटे छोटे होल्स बनाने हैं। होल करने से क्या होगा, ये रोटी की तरह, गुब्बारे की तरह फूलकर ऊपर नहीं आएगा, बल्कि बेस की तरह रहेगा। फ्रेंड्स, आप अगर पिज़्ज़ा बनाते हो, डायरेक्ट आप डो को
पैन में रखकर बेक करने के लिए सोचते हो तो वो डो जो है ना कच्चा कच्चा रहता है और उससे वो बात वो मज़ा नहीं आता। तो पहले जब भी आप बिना ओवन के पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पहले आप बेस प्रिपेयर करें तब आप पिज़्ज़ा बनाएं। तो यहाँ पर ना मैंने जो रोटी बेल कर रखी थी उसको दोनों साइड से 30 सेकेंड्स के लिए पका लिया। अगर आप चाहते हैं इसका बेस बनाना तो आप इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं और फिर एक साइड को आपने बटर से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक साइड को मैंने पकाया है और एक साइड को मैंने कच्चा छोड़ा है ताकि उसको हम बाद में पकाएंगे। जिस साइड को हमने पकाया था अच्छे से, उसको पकाने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे, मेयोनीज डालेंगे। इससे आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे से एकदम क्रिस्पी और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनकर तैयार होगा। अगर आप चाहें तो रेडीमेड बेस भी मार्केट से ले सकते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो घर पर मैदा से 10 रुपये 15 रुपये में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मेयोनीज भी अप्लाई कर दी और फिर यहाँ पर मोज़रेला चीज़ की अच्छी सी एक लेयर बना देंगे। बच्चों को चीज़ बेहद पसंद होती है तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, खूब ज़्यादा ज़्यादा चीज़ डालें। हफ्ते में इस तरीके का एक बार पिज़्ज़ा खाना तो बनता है, रोज़ रोज़ नहीं खाइएगा क्योंकि ये अनहेल्दी भी होता है। और इस तरीके से जो हमने सब्जियां काट कर रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे, ये देख सकते हैं आप। अगर आप इस तरीके से गेहूं का आटे का पिज़्ज़ा बनाते हैं तो वो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो को, और यहाँ पर मैंने मैरिनेटेड किया हुआ पनीर भी ऐड कर दिया है। थोड़े से कॉर्न्स ऐड किए हैं, आप अपने मनपसंद हिसाब से सब्जियाँ लगा सकते हैं, इसको अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आया इसलिए ऑलिव्स भी लगाए हैं और फिर इसको हमने वापस से पैन में रख दिया। अब बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो नीचे का बेस वाला हिस्सा है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और चीज़ जो है ना वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। तो ये नीचे से भी अच्छे से मैंने इसको चेक किया है तो ये अच्छे से सिक चुका है, कच्चा नहीं है। अब इसको हम निकाल लेंगे और लुक और टेक्स्चर आप देख ही सकते हैं। तो बिना ओवन के घर पर रखी चीज़ों से कितना ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस पिज़्ज़े की रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।